हाय एवरीवन अस्सलाम वालेकुम होप फुली सब बिल्कुल ठीक है खुश है और मज़े में है तो हम भी अलहमदिल्ला बिल्कुल ठीक है तो यहाँ पे मैंने मशीन लगाई हुई थी आज है लॉन्ड्री डे तो मैंने मशीन लगाई हुई थी और सुबह से मैंने लगाई हुई थी जब से बच्चे मतलब स्कूल भी नहीं गए थे कि मैंने स्टार्ट की हुई थी और यहाँ पर हम मेरे कपड़े धुल रहे तो कुछ इस तरह की मेरी मशीन है डबल मतलब इसमें सूखते भी है और धुलते भी है तो फिर सारे कपड़े हमारे हो गए थे और धूप भी निकल आई थी तो बस जिमल जैसी उठी है ना तो मैं छत पे आ गई हूँ मैंने कहा चलो इतनी सर्दी मुझे लग गई है तो चलो हम धूप इंजॉय कर लेते हैं तो यहाँ पे उन उसका कज़न भी है और मैं हूँ और मेरी देवराइन ने ना कुछ मुर्गियाँ पाली हुई है तो जिमल उनके साथ लगी हुई होती है और सारे कपड़े मैंने यहाँ पर बिछा दिए हैं सुबह सुबह मैंने सारे ना ख़त्म कर दिए तो ये बारह बजे का टाइम है तो इस टाइम ना हम धूप में बैठे हुए थे तो इतना मज़ा आ रहा था मेरा दिल कर रहा था रहा कि बस मैं नीचे ना उतरूँ और ऐसा ना आ, मज़े की धूप थी तो यहाँ पे जिमी भी इंजॉय कर रही थी और काफ़ी उसको अच्छा लगता है वैसे तो हम बेसमेंट में होते हैं तो मतलब इतनी सर्दी लगती है और ऊपर काफ़ी मज़ा आता है तो हर रोज ही हमारी ऐसी रूटीन है कि जब भी 11 12 बजते हैं ना तो हम छत पे आ जाते हैं और काफ़ी देर ना बैठे रहते हैं तो यहाँ पे जिम्मी अपने कजिन्स के साथ खेल रही है और काफ़ी इन्जॉय कर रही है और मैं भी बैठी हुई थी काफ़ी मुझे मज़ा आ रहा था और बस कपड़े भी मेरे सारे धुल गए थे तो बस यहाँ पे हमारा ये चल रहा था और सर्दी कुछ ज़्यादा हो गई है तो इस वजह से ना धूप के ना हम मौके ढूंढते कि कहाँ धूप मिले और हम बैठे तो जैसे नीचे आई हूँ ना घर सारा गंदा पड़ा हुआ है क्योंकि यहीं से बच्चे ना कपड़े जो है यहीं पे उतारे थे उन्होंने और यहीं पे पड़े हुए हैं और ये सारा घर गंदा पड़ा हुआ है तो सारे को मैं साफ़ करूँगी बाहर भी सारा गंदा पड़ा हुआ है तो नीचे आई हूँ ना सब कुछ ऐसे फैला हुआ है और यहाँ पर किचन भी सारा गंदा पड़ा हुआ है और मैं जब काम करती हूँ ना तो जमी को मैं इस तरह से ना कहीं ना कहीं लगा रहती हूँ तो जैसे मैंने कड़ा किया है ना तो इसने सारी नीम को गिरा दी है हम्म और ये देखें सारी नीम को गिराई हुई है और उसी को लगी हुई है खा रही है तो बस यहाँ पे ना ये जो है इसका ये लगा रहता है तो बस इसको मैं समेटूंगी और सारे बर्तन धोने हैं और ये किचन सारा मैंने साफ करना है बाहर लाउंज भी साफ़ करना है तो सारा और यहाँ मैंने पानी रखा हुआ है तो बच्चों के लिए जो है मैं मेकरोनी यहाँ पर बनाऊँगी तो उसके लिए जो है मैंने पानी रखा हुआ है तो गैस भी हमारी फिर चली जाती है और यहाँ पर अब मैं जो है आटा गूँधूँगी जल्दी से ताकि जो है आटा भी हमारा चल जाए तो कुछ इस तरह मैंने कभी भी मतलब इतने व्लॉग्स मैंने बनाए हैं लेकिन मैंने कभी भी आटा नहीं दिखाया है तो मैंने कहा चलो आज मैं आप लोग को आटा भी दिखा देती हूँ मैं किस तरह से मतलब गूनती हूँ अच्छा। तो बस इस तरह से ना मैं गून लेती हूँ और हमारे पठान उन्होंने कहा जाता है ना तो मतलब आ, औरत के सफाई का इससे पता लगता है जब उसकी ये परात जो है आ, आटा गूंजते वक्त साफ साफ होगी ना तो वो जो है वो औरत साफ़ होगी तो इस तरह से ना मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है परात को पूरा साफ़ रखा करूं और बस इस तरह से ना हमारा आटा हो गया था और यहाँ पे हमारी मैक्रोनी उबल गई थी तो बस पक चुकी है हमारी मैक्रोनी और यहाँ पे मैंने जो है अलग से एक तड़का बना रही हूँ तो ऑयल डाला है मैंने और उसमें एक प्याज डाली है तो उसको मैं हल्का सा ब्राउन करूँगी और यहाँ पे अपनी मेकरोनी भी देखूँगी तो ये जो मैं बनाई ना इससे मैं बनाऊँगी पिछले तो हम मतलब जो भी रोटी रह जाती है रात को तो उसको मैं इसमें डालूँगी और सॉफ्ट सी ये बन जाएगी तो मैंने अदरक लहसन का पाउडर डाला हुआ है साथ में जो है मैंने करी पाउडर डाला हुआ है जो सारंग का मसाला होता है वो मैंने एक चम्मच डाला है और इसको थोड़ी देर भूनूंगी और फिर मैं टमाटर डालूंगी तो इसका मैं बता दूँ कि ये मैं किस तरह से बनाऊँगी तो टमाटर को ना मैं भून के उसमें पानी डालूंगी और जो मेरी रात की रोटी बची हुई है और सुबह की एक रोटी थी तो वो बची हुई है तो उसके मैं छोटे छोटे नवाले बना लूँगी और इसका जो पानी होता है ना इसी में डाल के ना मैं खाऊँगी तो आजकल के ज़माने में ना हमारे पटानों में ये खाया जाता है औरों का मुझे पता नहीं लेकिन हमारे पटानों में ये खाया जाता है और, और आजकल के मॉडर्न जमाने में इसको पिंडा कहते हैं तो उसमें ये होता है कि वो लोग जो है चिकन या मटन डाल लेते हैं और मैं सिर्फ टमाटर का बना रही हूँ तो इससे ये होगा कि हमारी रोटी ज़ाया नहीं होगी और ये काफ़ी मुझे अच्छी लगती है मतलब मुझे काफ़ी ये मज़े की लगती है तो बस नमक डालूंगी टमाटर जब सॉफ्ट होंगे इसको मैं मेल्ट करूंगी और इसमें पानी डालूंगी और जब इसका उबाल आ जाएगा तो बस हमारा ये रेडी हो जाएगा तो बस यहाँ पे हरी मिर्ची मैंने डाल ली और ये यह यहाँ पे सॉफ्ट हो गए हैं बस इसको ना मैं इस तरह से कर लूँगी तो ये मतलब सारे ना पिघल जाएंगे और बस इस तरह से ये हमारा रेडी हो जाएगा तो मुझे तो काफ़ी पसंद है और इसकी यखड़ी भी बन जाती है इसी में आप चिकन डालें तो यखरी बन जाती है होटलों में ये पेंडा के नाम से ना एक डिश है जो काफ़ी मशहूर है और काफ़ी मज़े की लगती है मतलब पहले तो ये लोग ये बनाते थे लेकिन इसक इसको थोड़ा सा मॉडर्न करके ना इन्होंने पेंडा जो है वो बना लिया था तो बस यहाँ पे ये हमारे रेडी हो गए हैं इसमें मैं पानी डालूँगी और बस इसको मैं रख दूँगी ताकि ये उबल जाए तो बस ये मैं अपने लिए बना रही हूँ और निदा भी खा लेती है लेकिन आबास ये बिल्कुल भी टच नहीं करता आबास को बिल्कुल भी नहीं पसंद तो इसकी वजह से ना मैं मेक्रोनी भी साथ में बना रही हूँ क्योंकि आबास को वो नहीं पसंद तो बस यहाँ पे मेक्रोनी हमारी बॉयल हो गई थी तो मैं ऑयल लूँगी अदरक लहसन का पाउडर लूँगी तो जैसे हमारी अदरक लहसन का पाउडर आया है ना तो मैं पेस्ट यूज़ नहीं करती क्योंकि लास्ट टाइम जब अदरक लहसन का पाउडर आया था तो वो काफ़ी देर पड़ा रहा था और उसमें जो है वो ख़राब हो गया था मैंने गिरा दिया था तो ये मैंने वो कर लिया था कि जब तक ये ख़त्म नहीं होगा ना तो मैं नहीं मंगवाऊँगी और कुछ तो बस इस तरह से ना थोड़ा सा मैंने भून लिया अदरक लहसन का पाउडर उसमें एक ही टमाटर जो है एक से भी कम टमाटर जो है वो मैंने जो है इसमें थोड़ा सा भूनूंगी इसको और ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तब तक जो है हम इसमें अपने मसाले डालेंगे तो सबसे पहले इसमें जो है मैं नमक डालूंगी और नमक के साथ ही इसमें धनिया पाउडर में डालूंगी और ज़ीरा पाउडर डालूंगी लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी और काली मिर्च का पाउडर डालूंगी तो बस मसालों में यही चार मसाले हमारे जाएंगे ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि ज़्यादा तीखा हो जाएगा तो फिर आवाज़ काट नहीं सकेगा तो मैंने जो है हल्का सा बना लेना है ज़्यादा मतलब तीखा नहीं बनाना है और बस ये जो है हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो गए मसालों को हम थोड़ा भूनेंगे जब हमारे मसाले भुन जाए और उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए टमाटरों का भी कच्चापन थोड़ा ख़त्म हो जाए तो हल्की सी ना छीन दे देंगे हम पानी की इसको ताकि इसकी ना ले सी रेडी हो जाए तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया है और इसको अच्छे से मैं मैश करूँगी ताकि कहीं भी हमें टमाटर ना दिखे और हमारी स्मूथ सी ना वो बन जाए और फिर इसमें जो है जो वजिटे वजिटेबल्स है कैरेट इस टाइम मेरे पास नहीं थी सिर्फ मेरे पास कैबिज था और कैप्सिकम थी तो वो दो ही कैरेट मैंने काटे हैं और सिर्फ वो दो ही कैरेट डालूंगी तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि मैक्रोनीज़ और ये रोल वगैरह में ना हम बच्चों को सब्जियां दे देते हैं वैसे तो वो लोग नहीं खाते लेकिन इसकी बदौलत ना हम दे देते हैं तो बस जैसे ही हमारे टमाटर मेल्ट हो गए हैं तो मेरे पास जो दो वेजिटेबल्स हैं तो मैं वो डालूँगी और इसको अच्छे से ना मैंने फ्राई कर लेना है और ये, ये देखिए यहाँ पे मैं इसको फ्राई करूँगी ताकि इसमें टेस्ट चला जाए और इससे ये काफ़ी मजे का ये बन जाएगा तो बस ये देखें यहाँ पे ये हमारा तकरीबन रेडी हो गया है और इसको हम पकने देंगे थोड़ी देर के लिए डक्कर बिल्कुल भी नहीं रखेंगे बस ये उसी में पक जाएगा और ये दोनों चीज़ें पकाते वक्त जो मैंने किचन की हालत की हुई है ना ये सारे मसाले और ये सब कुछ जो मैंने निकाला हुआ है ना तो ये देख ले आप सब तो ये सारे मैंने जो मैस फैलाया हुआ है ना इस सब को जो है मैं समेटूंगी और इसको मैंने लगाया हुआ है इन चम्मचों में लगाया हुआ है तभी वो मुझे तंग नहीं करती वरना इसको मैं चम्मच ना दू ना तो वो मेरे जो है पाँव पकड़ के ना खड़ी रहती है और मुझे तंग करती रहती है तो मैंने सारी टोकरी इसको दे दी मैंने कहा तुम खेलती रहो मैं ये सारा साफ करती हूँ तो यहाँ पर मैंने सारा साफ़ कर लिया था ये देखिए सारा सब कुछ साफ़ हो गया है और सिर्फ ये मेकरोनी रह गई थी तो वो मैं डालूंगी जो मैंने वेजिटेबल्स रखे हैं और बर्तन दो तो सबसे पहले हम मेकरोनी डालते हैं तो यहाँ पे जो है वेजिटेबल्स को मैं थोड़ा और भूनूंगी तो ये देखिए हमारे थोड़े से मतलब हो गए हैं लेकिन थोड़े रहते हैं इसको हम थोड़ा और फ्राई करते हैं ताकि ये भी मतलब मज़े से ये देखिए काफ़ी अच्छा कलर आया है और काफ़ी मज़े से ना ये रेडी हो गई है बस इसमें जो है हमने मेकरोनी को ऐड करना है और यहाँ पर जो मैं बना रही हूँ रोटी का तो ये जो है यहाँ पर उबल गया है और बस इसमें जो है मैं मेकरोनी डालूँगी ये भी हमारा डन है तो बस इसको मैं मेकरोनी डालूंगी और इसको मिक्स करूंगी तो ये हमारा रेडी है और ये बिल्कुल मतलब तैयार है तो बस यहाँ पे ये हमारा रेडी हो गया है और कलर इतना अच्छा है और ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है और मज़े की है और वेजिटेबल्स भी है तो ये प्लस पॉइंट है और बच्चे ना इससे वेजिटेबल भी खा लेंगे तो बस ये हमारी मेकरोनी हो गई है तो बस सबसे लास्ट में जो मैं डालूँगी ना तो मैं चिकन पाउडर डालूंगी ताकि जो है ज़ायक़ा अच्छा सा हो और बच्चों को अच्छा लगे तो बस सबसे लास्ट में ना जो है मैंने चिकन पाउडर डाल लिया था और इससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा और मज़े का हो जाएगा बस इसको हम ढकते हैं हमारी दोनों चीज़ें रेडी हो गई है इसके बाद गैस चली जाती है तो इससे ना मैंने दोनों चीज़ें रेडी कर ली है बच्चों के आने का टाइम होगा ना तो तब मैं हम खाना खाएंगे तब तक मैं जो है बर्तन धो लेती हूँ और घर की सफ़ाई कर लूँगी मैं तो यहाँ पे बस मैं लगी हुई थी बर्तन धोने में तो मैंने कहा मैंने काफ़ी टाइम से दिखाया नहीं है कि मैं बर्तन मतलब कैसे धोती हूँ तो बस मैंने कहा चलो आज इसकी भी वीडियो शूट कर लेते हैं और मैंने वन मंथ का जो है चैलेंज लिया हुआ है बस कुछ ही दिन रह गए हैं मेरे वन मंथ के चैलेंज में कंप्लीट होने में और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं मतलब वीडियो ज़रूर अपलोड किया करूँ हर रोज़ मतलब एक वीडियो ज़रूर अपलोड किया करूँ चाहे मुझे लेट हो जाए एक दिन तो मुझे दस भी बज गए थे लेकिन मैंने अपलोड की थी मैंने कहा मैंने चैलेंज लिया है ना तो मैंने ज़रूर अपलोड करनी है और मुझे तकरीबन ये चौथा महीना हो गया है कि मैंने शुरू किया है पहला भी मेरा चैनल था लेकिन वो एक साल मैंने चला लिया था लेकिन उसकी कुछ ग्रोथ नहीं हो रही थी तो वो मैंने हटा दिया अब मैंने ये दूसरा जुलाई में शुरू किया था ये वाला चैनल और अब तक मैं कर रही हूँ तो बस अल्लाह ना ये जल्दी से मुझे कामयाब करे और ये हो जाए ना तो बस फिर मैं बहुत खुश हो जाऊंगी और ये जो है मैंने मतलब मेरी कोशिश होती है कि मैं हर महीने पूरा महीना में डालू लेकिन जो है कुछ ना कुछ हो जाता जा था और पूरे महीने में एक दो दिन मेरे छूट जाते थे तो इस दफ़ा जो है दो फौदगी भी आ गई थी लेकिन मैंने कोई वीडियो मिस नहीं की और मैंने वीडियो जो है हर रोज़ डाली गाँव में थी मैं लेकिन मैंने वीडियो डाली और यहाँ पर किचन भी हमारा साफ़ सुथरा हो गया है तो आपने मेरी ये दुआ करनी है कि मैं कामयाब हो जाऊँ और ये वन मंथ ना मेरा जो चैलेंज है वो कंप्लीट हो जाए तो भी मैंने सारा साफ़ कर लिया था यहाँ पे सब कुछ साफ़ सुथरा हो गया था बस बच्चों ने आना था और फिर खाना खा खाना खाना था और यहाँ पे इस कमर की लाइट जल गई है तो वो हल्की है और यहाँ पर किचन भी साफ़ हो गया है तो हमारा सारा काम ना हो गया तो दिल को एक सुकून सा हो गया है और अब जो है मैं बना रही हूँ और आने का टाइम है बच्चों का तो यहाँ पे इसको मैंने फिर खड़ा किया हुआ है और ये खड़ी है अपनी जगह पे और यहाँ पे मैंने जो है मैं अपना काम करूँगी जो रात की रोटी है और जो सुबह की रोटी है ना उसके छोटे छोटे नवाले में बना लूँगी और ये अपना लगी हुई है तो यहाँ इसके पास मैंने मेकरोनी रखी हुई है और ये साथ साथ में ना मेकरोनी भी खाती जा रही है जिसकी वजह से ये चुप भी है और मुझे तंग नहीं कर रही है तो बस जो रोटी बच गई थी तो उसके मैं छोटे छोटे से निवाले बना लूँगी और जो मैंने टमाटर का बनाया हुआ है तो उसमें जो है मैं इसको रखूँगी तो ये काफ़ी मज़े की बनती है आप ज़रूर बनाइएगा जो भी आपकी रोटी बच जाती है ना उससे ज़रूर बनाइएगा तो इससे ये होगा कि आपकी रोटी वेस्ट नहीं जाएगी और आजकल की जो महंगाई है ना उसमें रोटी को बिल्कुल भी वेस्ट ना किया करे और उसको ना बस काम में ला लिया करे तो हमारी गैस हो गई थी अल्लाह को प्यारी तो ये एक बजे के करीब ना चली जाती है हमें हमारी गैस और क्यों चूँकि मैं जो है बेसमेंट में हूँ तो यहाँ गैस बिल्कुल भी नहीं होती तो मैंने सिलेंडर पर रख दिया और ये गर्म में आपने डालना है तो मैंने जब गर्म कर लिया तो फिर मैंने जो है वो छोटे छोटे से निवाले डाल लिए और इसमें मैं रख दूँगी जब बच्चे आएंगे ना तो फिर मैं इसको निकालूँगी और गैस मैंने हल्की सी लगाई हुई थी मैंने कहा चलो तब तक ये दस मिनट थे बच्चों के आने में तो मैंने कहा चलो ये जो है ये अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे जिम्मी जो है वेट कर रही है अपने भाई बहना का तो यहाँ पे कोई नहीं है और जिम्मी यहाँ पे वेट कर रही है और जिमी ना मेरे पास ही कर रही है और आवाज़ें दिखा तो यहाँ पे जो है निदा आ गई थी और जिमल उसको देख के काफ़ी खुश थी तो बस यहाँ पर जो है निदा को देख के ना इसकी ख़ुशी की इम्तहान नहीं होती है और बस जो है ना यहाँ पे आवाज़ें भी निकालती है और काफ़ी लगी हुई होती है और यहाँ पे और बस निदा खफा थी क्योंकि उसकी जो मैंने बॉटल ली थी वन डॉलर स्टोर से तो वो टूट गई थी तो इस वजह से ना उसने जिमी को कुछ भी नहीं कहा और बस वो मुझे दिखा रही थी कि ये टूट गया मम्मा तो बस हम यहाँ पे मैंने इसको उनको चेंज करा लिया था और अब जो है बस चेंज करने के बाद ना मैंने काना निकाल लिया था मैंने कहा चलो जल्दी से कहा क्योंकि मदरसे का टाइम होता है फिर निदा का तो इस वजह से ना Uh, मैंने मेक्रोनी निकाल ली और जो मैंने बनाया है तो वो देखिए गरम-गरम आपने खाना है क्योंकि ये गरम-गरम ही इसका मज़ा आता है और बस जो है ऊपर से मैं मिर्ची डालूँगी और साथ में मैंने प्याज काट ली थी तो इतनी मज़े की ये लग रही थी ना कि बस पूछे मत और ये ऊपर से ना मैंने हरी मिर्ची डाल ली और बस हम अपना इन्जॉय करेंगे लंच और तो होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो लाइक करे बहुत अच्छी लगी है तो कमेंट करे और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इसी तरह से ना मेरी वीडियोस वॉच करते रहा करें तो मेरा बाइट आप देख ले तो इस तरह से मैंने प्याज़ काटी है और बाइट में जो है मैं खाऊँगी प्याज़ हरी मिर्च और एक जो है निवाला तो इस तरह से मैं चम्मच से खा रही थी लेकिन इसका असल जायका ना हाथ से खाने में आता है तो मैंने एक आपको दिखाने के लिए चम्मच से खा लिया अब मैं हाथ से खाऊंगी तो हाथ से देखें अनियन ले लिया मैंने हरी मिर्ची ले ली और बस इस तरह से निवाला बना के ना मैं इसको खा लूँगी तो बस मज़े मज़े से ना हम इंजॉय करेंगे अपना लंच तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इसी तरह से जो है वीडियोज वॉच करते रहा करें तो थैंक्स फॉर अल्लाह हाफिज़